ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ मित्रों, आज की एक बैठक समग्र देश के हर हिस्से में ड्रग के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने हाथ में ली है, वो क्षेत्रीय बैठक की परंपराओं का एक हिस्सा है। इस बैठकों के माध्यम से ड्रग के खिलाफ जो फ्रीडम एप्पल कल्तु मीन साकणे मर्तिद्दीरा हागाद्रे निम्म मीनुगळन्न ओंदु कोटिगू हेच्चु फ्रीडम आप बळकेदारिगे यावदे खर्चिल्दे माराट माडि लड़ाई है। ये कोई एक सरकार की लड़ाई न रहते हुए सभी सरकार सभी सरकारों के सभी डिपार्टमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ साथ में आए और सरकारों से भी आगे बढ़कर ये लड़ाई समाज की लड़ाई बने, जनता की लड़ाई बने और अंततोगत्वा हम ड्रग के दूषण से देश को मुक्त कर पाए, यही इस बैठक का उद्देश्य। ड्रग ये हम सब जानते हैं व्यक्ति समाज और देश के लिए कैसा नासूर है कि जिसको समय रहते कंट्रोल न किया गया हो तो फिर वो कंट्रोल में आना असंभव हो जाता है। इसलिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत सरकार के गृह विभाग ने नशा मुक्त भारत का एक लक्ष्य सिद्ध किया है। मोदी जी ने हमारे सामने ड्रग फ्री सोसाइटी का लक्ष्य रखा है और हम सब ने इसको साथ में लेकर एक साझा प्रयास से इसको आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक प्रमुखतः दो लक्ष्य देश की जनता के सामने रखे हैं। एक 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए ये राष्ट्र संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो और दो 2025 तक ये देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। ये दोनों लक्ष्यों को अगर हमने तय करना है तो ड्रग फ्री सोसाइटी इसकी बुनियादी जरूरियात और इसके खिलाफ जो लड़ाई है कोई एक सरकार कोई एक डिपार्टमेंट लड़ेगा तो हम सफल नहीं हो पाए। देश की सारी सरकारों ने साथ में मिलकर आके लड़ना पड़ेगा। देश की सभी सरकारों के सभी विभागों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इससे आगे ले जाकर ये लड़ाई को घर घर की लड़ाई जन जन की लड़ाई बनाने की दिशा में हमने आगे बढ़ना है। जहां तक सरकारी डिपार्टमेंटों का सवाल है, होम डिपार्टमेंट की हर सरकार के गृह विभाग की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, मगर इसके साथ रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कल्चर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे डिपार्टमेंट हेल्थ विभाग के साथ जुड़कर जब ये अभियान को आगे बढ़ाते हैं तभी हमारा अभियान गंतव्य को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। विगत 4 साल से हमने इस अभियान को अलग डायमेंशन खड़े करने का प्रयास किया है। हमें एडिक्शन में एडिशन न हो इसको लक्ष्य रखते हुए एडिक्शन के एलिमिनेशन के खिलाफ एडिक्शन के एलिमिनेशन के तरफ ध्यान दिया है। इसके लिए ड्रग का डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहैबिलिटेशन, ये 4 प्रमुख स्तंभों पे हमने हमारी कार्य योजना बनाई। न्यूज़ फर्स्ट।
ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು.